मेरा कब्जा होगा, इन इंसानों विज़र्ड्स को मैं सबको भूत बना दूंगा। कौन था ये और क्या गोस्ट, इसी की सुनते हैं। वहीं जंगल के अंदर कुछ बच्चे मीटिंग कर रहे थे और उनका वीडियो एक फोटोग्राफर ने यश के पास भेज दिया था। ये असली बच्चे हैं या बच्चों के क्लोन्स हैं? सच्चाई का पता लगाने के लिए यश तुरंत जंगल की तरफ निकल पड़ता है। फाइनली यश उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर रात को सारे बच्चे मीटिंग कर रहे थे, लेकिन वहां पर अब कोई भी नहीं था। यहां तो बिल्कुल सन्नाटा है। यश दोबारा से अपने मोबाइल में वीडियो देखने लगता है। यश समझने की कोशिश कर रहा था कि ये बच्चे क्या डिस्कस कर रहे हैं और क्या उसे कोई हिंट मिल सकती है, लेकिन क्लिप से यश को कुछ समझ नहीं आता है। क्या झोल हो रहा है सब, अब सच्चाई का पता कैसे चलेगा? सच्चाई का पता करने के लिए यश को रात का इंतजार करना होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब ढूंढना जरूरी है, ये क्लोन्स मीटिंग क्यों कर रहे हैं? ये सोचते सोचते यश कोशिस्तान चला जाता है। यश की किताब में उसे हर चीज का जवाब मिल जाता है, लेकिन इसका जवाब उसमें भी नहीं मिल रहा था। वहीं रात होते ही कोच यूनिवर्स का दरवाजा धरती पे खुलने लगता है। अब की बार ये दरवाजा गगन की छत पर खुलता है, लेकिन गगन तो अपने कमरे में खर्राटे लेकर आराम से सो रहा था। लेकिन गगन के भाई मगन को छत पर कुछ आहट सुनाई देती है। वो अपनी टॉर्च लेकर छत पे जाता है। छत का नजारा देखकर उसकी पैंट गीली हो जाती है। वो कांपने लगता है। मेरे घर में बहुत सारे भूत आ गए, मुझे यश द गोस्ट हंटर की हेल्प लेनी होगी। मगन तुरंत यश द गोस्ट हंटर को कॉल करके सारी कहानी बता देता है। यश तुरंत अपनी बाइक लेकर मगन के घर की तरफ निकल पड़ता है। गोस्ट यूनिवर्स के भूत बच्चों को गोस्ट यूनिवर्स के अंदर ले जा रहे थे और बदले में उन बच्चों की रेप्लिका धरती पे आते जा रहे थे। यश तुरंत अपनी जेब से बहुत सारी फायर गोलियां निकालकर गोस्ट यूनिवर्स के दरवाजे में फेंकने लगता है। गोस्ट यूनिवर्स के भूत यश को देख लेते हैं। तुम फिर आ गए, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। मैं तो अपनी जान हथेली पर लेकर घूमता हूँ, लेकिन जिस दिन तुम मेरे चक्कर में फंस जाओगे उस दिन तुम्हें नानी याद दिला दूंगा। इतना सुनकर भूत को गुस्सा आ जाता है और वो यश के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यश पूरी प्लानिंग के साथ आया था। वो तुरंत अपनी बाइक लेकर वहां से भागने लगता है। रुक जाओ यश, आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कौन किसको मारेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल भागने में ही भलाई है। यश फुल स्पीड से हवा में बाइक चलाने लगता है, लेकिन तभी अचानक गोस्ट यूनिवर्स का भूत अपना जादू करके गायब हो जाता है और अचानक यश के सामने आ जाता है। यश अपनी बाइक का एक्सीलेटर तेज करने लगता है और गोस्ट अपना जादू करके एक बहुत बड़ी चट्टान प्रकट कर लेता है। गोस्ट अपनी पूरी ताकत से चट्टान यश की तरफ फेंकता है और यश पूरी स्पीड में अपनी बाइक चलाने लगता है। जैसे ही चट्टान यश के बिल्कुल पास आती है, यश अपनी बाइक छोड़कर हवा में ऊपर की तरफ छलांग लगा देता है। यश ऊपर, बाइक नीचे और चट्टान बीचों बीच से निकल जाती है। यश वापस हवा में डाइव लगाकर अपनी बाइक पर पहुंच जाता है और सामने खड़े गोस्ट को एक जोरदार किक मारता है। भूत सीधा नीचे जाकर झाड़ियों में गिरता है। भूत को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी पावर यूज करके यश के ऊपर जादू कर देता है। यश अपनी बाइक के साथ धड़ाम से नीचे गिर जाता है और पूरी तरह घायल हो जाता है। यश खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत पेन हो रहा था। लेकिन तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगती है और एक साधु की आवाज आने लगती है। यश, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। गोस्ट यूनिवर्स का किंग बहुत जल्द धरती पे आ रहा है और उसे जलमनी चाहिए। अगर जलमनी उसके हाथ लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। इसका मतलब गोस्ट यूनिवर्स का राजा भी है, मामला सुलझाने की बजाय उलझते ही जा रहा है। इसके बाद वो साधु यश को बताता है कि गोस्ट यूनिवर्स के किंग के पास बहुत बड़ी आर्मी है और वो अपनी आर्मी की मदद से धरती पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन अपनी पूरी आर्मी को एक साथ धरती पर लाने के लिए उसे एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। ये ब्रिज गोस्ट यूनिवर्स से धरती का कनेक्शन जोड़ देगा और फिर वो लोग हमारी धरती पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन ये ब्रिज बनाने के लिए गोस्ट यूनिवर्स के किंग को 5 स्टोन चाहिए जो हमारी धरती पर है, और उनकी रक्षा 5 साधु कर रहे हैं। लेकिन वो बच्चों को क्यों किडनैप किए जा रहे हैं और उनके क्लोन्स क्यों भेज रहे हैं? गोस्ट दिन में बाहर नहीं निकल सकते हैं, इसलिए वो क्लोन्स इस यूनिवर्स में भेज रहे हैं जिससे उन 5 स्टोन्स का पता लगा सके। साधु यश को सारी सच्चाई बता ही रहे थे कि तभी अचानक गोस्ट अपने जादू से दोबारा यश के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन साधु यश के चारों तरफ एक बबल जैसा सुरक्षा कवच बना देते हैं और यश पूरी तरह से सेफ हो जाता है। वो गोस्ट अपनी पूरी पावर से यश के ऊपर जादू करता है, लेकिन साधु का सुरक्षा कवच बहुत मजबूत था और गोस्ट की पावर उसे पार नहीं कर पाती।
साधु महाराज आप आगे की बात बताइए, इसे तो मैं बाद में निपट लूंगा। इसके बाद साधु यश को बताता है कि पिछले 5000 साल से जलमणि की रक्षा वो और अन्हारी कर रहे थे, लेकिन कोश यूनिवर्स के भूतों ने अन्हारी को पकड़ लिया है और अब जलमणि खतरे में है। अगर जलमणि कोश यूनिवर्स के किंग को मिल गया तो वो बहुत पावरफुल हो जाएगा और धरती के पूरे पानी को अपने कंट्रोल में कर लेगा। इसका मतलब मामला बहुत सीरियस हो गया है, लेकिन ये जलमणि है कहाँ, कहाँ पर है? तब वो साधु यश को बताते हैं कि उत्तर दिशा की तरफ। बस साधु इतना कहते हैं और आसमान में बिजली कड़कने लगती है। मुझे तुरंत जाना होगा यश। बस इतना कहते ही वो साधु वहां से गायब हो जाते हैं। साधु के गायब होते ही यश के चारों तरफ बना सुरक्षा कवच भी गायब हो जाता है, लेकिन तब तक गोस्ट यूनिवर्स के भूत भी गायब हो चुके थे। ये आधी इन्फॉर्मेशन देके चला गया उत्तर दिशा में। अब उत्तर दिशा में तो आधी पृथ्वी है, वहां कहां ढूंढूंगा मैं और बिना पावर्स के गोस्ट आर्मी से कैसे लड़ूंगा? जो भी हो मुझे तुरंत उत्तर दिशा की तरफ जाना होगा, क्योंकि गोस्ट यूनिवर्स के भूत जलमणि ही ढूंढने गए होंगे। यश तुरंत अपनी बाइक से उत्तर दिशा की तरफ निकल पड़ता है। यश को रास्ते में किसी की परछाई दिखती है, लेकिन वो सिर्फ परछाई थी, बॉडी मिसिंग थी। अरे यार ये क्या चक्कर है, बड़ा परछाई कब से चलने लगी? यश अपनी बाइक को थोड़ा नीचे करता है तो उसे समझ आ जाता है कि ये परछाई किसकी है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप बता सकते हैं ये परछाई किसकी है? सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए लॉजिकल आर्मी, ये परछाई रजनी की है, लेकिन रजनी की परछाई उसकी बॉडी से अलग कैसे हो सकती है? यश तुरंत अपनी बाइक को नीचे ले आता है, लेकिन तब तक रजनी की परछाई वहां से गायब हो चुकी थी। कहीं रजनी ने अपने पावर्स की मदद से परछाई को अलग तो नहीं कर लिया? लेकिन ये कैसे हो सकता है? यश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि रजनी के साथ क्या हो रहा है, लेकिन इस समय जलमणि को बचाना बहुत जरूरी था, इसलिए यश तुरंत समुद्र की तरफ निकल पड़ता है। यश समुद्र के पास पहुंच जाता है। समुद्र के ऊपर साधु महाराज बहुत सारे भूतों से फाइट कर रहे थे और गोस्ट यूनिवर्स के बहुत सारे भूत समुद्र के अंदर जा रहे थे। लगता है गोस्ट जलमणि ढूंढ रहे हैं। यश बिना देरी के तुरंत जंग के मैदान में कूद जाता है और भूतों के ऊपर फायर गोलियां फेंकने लगता है। मैं आ गया हूँ साधु जी, अब मिलकर इन भूतों का सफाया करेंगे। यश अपनी फायर गोलियां भूतों पे फेंकता है, लेकिन उसे भूतों पर कोई असर नहीं हो रहा था। तुम्हारी ये चीजें गोस्ट यूनिवर्स के भूतों पे नहीं चलेगी, ये बहुत शक्तिशाली है। तभी अचानक आसमान में अजीब सी हलचल होने लगती है। हलचल होते से सारे भूत वहां से जाने लगते हैं। अरे ये कहां जा रहे हैं? गोस्ट यूनिवर्स का दरवाजा बंद हो रहा है तो ये वापस जा रहे हैं। ये कल फिर आएंगे और फिर लड़ेंगे। इन लोगों को मैं कुछ समय तक रोक पाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे धरती पर क्लोन्स बढ़ते जाएंगे ये और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, फिर मैं इन्हें नहीं रोक पाऊंगा। यश तुम्हें अपने पावर्स को जानना होगा। इतना कहते ही साधु महाराज गायब हो जाते हैं और सारे कोस भी वहां से चले जाते हैं और एकदम सन्नाटा सा हो जाता है। यश बहुत कंफ्यूज सा हो जाता है, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे रोकूं सबको? सोचते सोचते यश बाइक से पानी में नीचे गिर जाता है। क्या यश अपने पावर्स डिस्कवर कर रहा है? क्या हो रहा है यश के साथ? कौन है यश? देखेंगे हम अगले एपिसोड।